अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, सारी कायनात फना हो जाएगी और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। तो नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला औरतों से पहला सवाल क्या करेगा। और सिर्फ औरतों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात के लोगों से सबसे पहला सवाल क्या करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि इन्होंने पाबंदी के साथ नमाज को वक्त पर अदा किया था या नहीं। फिर शौहर के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि तुम अपने शौहर के साथ दुनिया में कैसा सलूक किया करती थी। दोस्तों, हश्र का मैदान जो दिल पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से, खास वो मर्द हो या औरत, उन सब में सबसे पहले पहला सवाल ही नमाज का होगा। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल इसके बाद देखे जाएंगे, अगर इसमें ही गड़बड़ी हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ी होगी। अक्सर औरतें नमाज में कोताही करती हैं और नई उम्र की जो लड़कियां हैं वो तो अक्सर जानबूझकर नमाज छोड़ दिया करती हैं। कुछ औरतें बहाना बनाती हैं कि बच्चे का पेशाब कपड़े में लगा रहता है, लेकिन अफसोस कि ये बहाने क़यामत के दिन हरगिज नहीं चल पाएंगे और जब सजा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए, खास औरत ही नहीं बल्कि मर्दों को भी चाहिए कि हम नमाज को पाबंदी से अदा करें और बाजमात अदा करें जेंट्स लोग, क्योंकि नमाज हमारी बख्शिश का जरिया है। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।